Thank you.
अभी जो आप लोगों ने देखा वो थी सेंट्रल बफर कपलिंग यानी सीबीसी कपलिंग। इससे कुछ समय पहले जब नेत्रावती एक्सप्रेस हमें क्रॉस हुई थी तो उसमें हुक कपलिंग लगी हुई थी। तो ये थी दो टाइप की कपलिंग। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिटेल वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है और इसे डिटेल में भी आप लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग डेढ़ घंटे की देरी से मनगांव रेलवे स्टेशन से चल चुके हैं और बारिश अभी भी हो रही है लगातार। मनगांव शहर काफ़ी बुरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। स्टेशन के आसपास भी देख सकते हैं उस चीज़ को। तो हमारी ट्रेन फाइनली चल चुकी है मनगांव से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग पनवेल केवल एक घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं। यहाँ से मुंबई लगभग बसता है 60 किलोमीटर्स। तो देखते हैं मांडवी कब पहुँचती है। काफ़ी अच्छा लगा इस जर्नी में। आप लोग को ये जर्नी करके कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही मैं सो गया था जब मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि ट्रेन पनवेल पहुँच चुकी है। तो मैं तुरंत रेडी होके नीचे आया ये देखने के लिए कि आप लोग को मैं दिखा सकूँ पनवेल कैसा है। तो पनवेल रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल पनवेल रेलवे स्टेशन में। देखते हैं यहाँ से हम कब चलते हैं और मुंबई कब पहुँचेंगे। रात हो चुकी है इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग की नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा चीज़ें मैं दिखा पाऊँगा नहीं और बारिश भी हो रही थी साथ में। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया और आप थोड़ा फ्रेश हैं। मुंबई पहुँचते हैं समय से और मुंबई घूमेंगे और जाके होटल पर रेस्ट करेंगे पहला काम। मौसम बाहर बहुत अच्छा था और अंदर भी बहुत मज़ा आया था। ट्रेन में फूड काफ़ी अच्छा मिला है। ओवरऑल मेरी तरफ से ट्रेन के लिए बहुत सारे लाइक्स हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेन लगी मुझे। मेरे को बहुत रेयरली होता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद आए पर ये ट्रेन मांडवी एक्सप्रेस मुझे बहुत पसंद आई। अब से कुछ ही समय में हम लोग पहुँचने वाले हैं दादर, उसके बाद पहुँचेंगे हम मुंबई के मेन स्टेशन। दादर अराइवल। तो दोस्तों फाइनली टाइम हो रहा है 10:25 PM और अब से कुछ ही समय में हम लोग CSMT रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ट्रेन का एक्चुअल अराइवल तो 9:40 PM का है पर जैसा कि मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ काफ़ी समय से कि ट्रेन एक घंटा की देरी से चल रही थी और फाइनली मुझे लगता है कि एक घंटे की ही देरी से हम लोग अब मुंबई पहुंच जाएंगे। मुझे काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप लोग के लिए ट्रैवल करके मुझे बहुत मज़ा आया। मानसून बहुत अच्छा था, मौसम सब लोग मेरे को कह रहे थे कि मत ट्रैवल करो मुंबई हाई अलर्ट पे है, एरिया हाई अलर्ट पे है, पर जब हाई अलर्ट पे है तो मैं काफ़ी अलर्ट हो गया कि अब मुझे ट्रैवल करना ही है इस रूट पे। तो काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आप लोग के लिए आता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने
आपने इस वीडियो का पार्ट वन मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुंबई में अराइवल। आज के इस वीडियो में इतना ही था, हम ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।